नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल पर। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं चैनल नंबर 6। यानी आप अंदाजा लग गया होगा कि क्लास 6 की हम बात करने वाले हैं और जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान। टॉपिक तो और भी दिलचस्प है, खेल खिलौने और विज्ञान, यानी खेल खेलकर आज हम विज्ञान की काफ़ी गहरी और बहुत ही अच्छी समझ लेने वाले हैं। किस तरीके से एक्सपर्ट के जाने से समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-112-165। एक और नंबर भी है 1800-112-199। मेल भी कर सकते हैं आपको cit.kishoremanch@gmail.com पर, ये है हमारा ऑफिशियल मेल आईडी। इसके अलावा लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं तो फिर आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब पर जाकर भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अब समय हो चला है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम प्रोफेसर रुचि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स, NCERT। स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। नमस्कार दर्शकों। तो चलिए, खेल खिलौने और विज्ञान, यही से एक तजस्व से क्यूरियोसिटी जगी है कि बहुत दिलचस्प ये सेशन होने वाला है, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। जी हाँ, और खेल खिलौने और विज्ञान और खेलना और खिलौनों से खेलना किसे पसंद नहीं है, किसी भी उम्र के आप उठाइए लोगों को, हर कोई खेलना चाहता है। और खिलौनों की से खेलने की तो बात ही कुछ और है। जी। समय ज्यादा नहीं लेंगे धर्मेंद्र जी, सीधा शुरू करेंगे। और सिर्फ खेलने और खिलौनों की ही बात नहीं होगी बच्चों, आज लिए चलते हैं हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत घने हरे भरे जंगल में। और इस जंगल में रहते हैं कई जानवर, उन्हीं में से आज के इस सत्र के नायक हैं हमारा मंजला हाथी और फुदकू मेंढक। आप स्लाइड पर देख सकते हैं, इस घने जंगल की हमने एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मंजला हाथी और फुदकू मेंढक इस घने जंगल में रहते हैं। बेहद शरारती, चंचल, जिज्ञासा और कौतूहल से भरे हुए, तभी तो एक दूसरे के इतने पक्के दोस्त हैं। उनके मोहल्ले में एक खिलौने वाला अक्सर आया करता है, हाथ में खिलौनों की पोटली लिए। नाम है उसका टंकू बंदर। टंकू की पोटली नायाब खिलौनों से भरी होती है जिनसे वो अजब गजब करतब दिखाया करता है। जिज्ञासु मंचला और फुदकू उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि उसके कर्तव्य उनका मन तो मोहते ही हैं। साथ ही उन कर्तव्यों के पीछे छुपा राज ढूंढने की कोशिश में उन्हें लगा जाते हैं और तब तक चैन की सांस नहीं लेते जब तक बात की जड़ यानी कि उत्तर तक ना पहुंच जाएं। ऐसा करना उनका फेवरेट खेल है। एक दिन खिलौने वाले ने एक बहुत ही नायाब करतब दिखाया। उसने एक खूबसूरत बोतल में गुलाबी रंग का पानी भरा, आंखें मटकाई और कहने लगा, ये पानी कोई साधारण पानी नहीं, एक जादुई पानी है और ये मेरा सारा कहना मानता है। फिर उसने पानी में मंत्र फूंकना शुरू किया, आबरा कडाबरा गिली गिली छू, पानी का रंग उड़ जा तू, आबरा कडाबरा गिली गिली छू। और ये क्या, धीरे धीरे पानी का रंग तो सच में गायब होता नजर आया और पानी का रंग गायब भी हो गया। मंचला और फुदकू तो भौचक के देखते रह गए। सबने बहुत तालियां बजाई लेकिन मंचला और फुदकू के मन में तो एक ही प्रश्न चल रहा था, रह रह के एक ही बात, आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों ये पानी का रंग गायब हुआ। खिलौने वाले के जाते ही मंचला रसोई घर में घुसा और दो बोतलों में गुलाबी शरबत घोल लाया। दोनों दोस्तों ने खूब मंत्र फूके लेकिन कुछ न हुआ। रुआंसा हो मंचला अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे फिर जादू सीखना है, खिलौने वाला कितनी आसानी से पानी का रंग गायब कर देता है, मुझे भी करना है। माँ ने प्यार से समझाया, मेरे प्यारे मंचले, क्या तुम किसी जादूगर से कम हो, ये जादू नहीं विज्ञान का कमाल है। अब तो मंचला और फुदकू
लग गए इसके विज्ञान की तलाश में, जैसा कि उनको नियम है, जैसा कि उनका मन चलता है। तो दोस्तों, आपका भी मन इस जादू को देखने का जरूर कर रहा होगा, तो आइए आपको भी दिखाते हैं ऐसा ही कुछ खेल जिसमें ऐसा रंग गायब होता आपको नजर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या लेना है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये एक बीकर, इसको बीकर कहते हैं, और इसमें हमने एक सोल्यूशन रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यानी NaOH का सोल्यूशन। साथ ही मेरे पास एक और बीकर है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फिनोफ्थलीन सोल्यूशन, और फिनोफ्थलीन एक सूचक होता है, एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मतलब जो आपको किसी चीज की सूचना दे, जो कलर चेंज करके बता दे कि आप जिस पदार्थ में उसको डाल रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। धर्मेंद्र जी, बच्चे पढ़ते हैं ये इस बारे में। तो अब मेरे सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन की प्रकृति क्या है ये सूचक मुझे आसानी से बताएगा। मैं एक ड्रॉप इस इंडिकेटर की यानी कि फिनोफ्थलीन की इसमें डालूंगी, कुछ बूंदे हमने डाली, और देखिए कुछ रंग आपको नजर आ रहा है। कौन सा रंग नजर आ रहा है? ये तो पिंक हो गया, पिंक कलर का हो गया। मुझे ज्यादा गहरा करना है तो मैं थोड़ा सा और इंडिकेटर डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से नजर आने लगा कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इंडिकेटर यानी फिनोफ्थलीन को NaOH या किसी भी सोल्यूशन में जिसकी प्रकृति बेसिक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो किसी भी बेसिक नेचर के सोल्यूशन में अगर मैं फिनोफ्थलीन डालूं तो पिंक कलर आना निश्चित है। ऐसा ही एक सोल्यूशन मैंने इस बोतल में भर के रखा है, आप देख सकते हैं पिंक कलर का सोल्यूशन है, और मुझे लगता है कि जो हमारा टंकू था ना उसने भी ऐसी ही कुछ चालाकी की हमारे जानवर दोस्तों को बुद्धू बनाने के लिए। लेकिन क्या गुमराह किया उसने, वो मंत्र फूके ना? अब मंत्र फूकेगा इसमें, हम भी फूकेंगे, हम भी आज मंत्र फूकेंगे, और हम इसमें करेंगे गिली गिली चुप। क्या कुछ हुआ? नहीं, ये मंत्र आपने ठीक से नहीं पढ़ा लग रहा है। नहीं पढ़ा अभी, मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा बच्चों, और ये मेरे मंत्र से या मेरे काबू में नहीं है, ये आज्ञाकारी पानी मेरा कहना नहीं मान रहा है, धर्मेंद्र जी का शायद कहना मानेगा। और मुझे लगता है कि अब ये मैं धर्मेंद्र जी को दे दूं, और समय ज्यादा नहीं लूंगी इसमें, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तब तक धर्मेंद्र जी इसमें आबरा का डाबरा करते रहेंगे। तो लीजिए आप ये मंत्र फूकिए, और अब हम बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे, और फूक मारते रहिए धर्मेंद्र जी, याद रखिएगा जो जिम्मेदारी सौंपी है जरूर उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए अब फिर से चलते हैं जंगल की ओर। अगले दिन खिलौने वाला एक और मजेदार खेल लेकर आया, उसने सब बच्चों को फिर से इकट्ठा किया, आओ बच्चों आओ, आ गया टंकू का टब दिखाने। सारे बच्चे आ गए। पोटली में से मंचले ने एक छोटा सा हाथी निकाला। मंचला तो देखते ही उछल पड़ा, अरे मेरे जैसा हाथी। खिलौने वाले ने फिर उस हाथी के साथ खेल शुरू किया, कहने लगा, बच्चों इस खिलौने का छुटकू हाथी खाने का बहुत शौकीन है, अपनी पसंद का खाना देखते ही उसकी ओर लपक पड़ता है, और नापसंद का खाना देखते ही दूर भागने लगता है, कुछ ऐसे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए उसको बिस्किट खाना कितना पसंद था, लपक कर आया लेकिन पत्थरों को देखते ही दूर भाग गया। बहुत समझदार है हमारा छुटकू, उसे पता चल गया कि हम धोखे से उसे पत्थर खिलाना चाहते हैं। मंचला और फुटकू खेल देखते ही सोच में पड़ गए और आपस में फुसफुसाने लगे। मंचला कहने लगा, अरे फुटकू, आज तो खिलौने वाले ने कमाल ही कर दिया, पर मुझे समझ नहीं आया कि ये चमत्कार हुआ कैसे। फुटकू बोला, हाँ मुझे भी समझ नहीं आया, चलो इसका राज ढूंढते हैं। आप तो जानते ही हैं बच्चों, राज ढूंढना तो उनका फेवरेट गेम है। बच्चों
हमारे पास भी टमकू के जैसा ही एक छोटा सा हाथी का खिलौना है। हमें पता है आप भी उसे खेलकर देखना चाहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं छुटकू हाथी, जो अपनी पसंद का खाना देखते ही खींचा चला जाता है, लेकिन अगर खाना ना पसंद हो तो मुंह फेर कर चला जाता है। ये रहा हमारा छुटकू और ये है उसके खाने की प्लेट, जिसे हम छुटकू के पास लेकर आएंगे। देखते हैं हमारा छुटकू क्या खाना पसंद करता है। अब हम उसको ललचा रहे हैं, छुटकू इधर नहीं उधर जाके खाओ, और छुटकू दौड़ा चला आ रहा है। अब हम छुटकू से को जहां ले जाना चाहते हैं वो वहीं जा रहा है। नहीं छुटकू अभी चिप्स नहीं खाएगा, क्योंकि चिप्स खाना भी बहुत अच्छी आदत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं जरा छुटकू क्या करने वाला है। छुटकू लो चिप्स खाओ। छुटकू बुद्धू नहीं है, छुटकू को पता है ये चिप्स नहीं है। क्या कर रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उसका। वो दूर भाग के जा रहा है क्योंकि उसको पता है ये मुझे चालाकी से चिप्स कह रहे हैं, लेकिन पत्थर खिलाना चाहते हैं। तो बच्चों यही बिल्कुल ऐसा ही खेल टमकू ने दिखाया था हमारे जानवर दोस्तों को। अब चूंकि मंचला और फुदकू खोज में निकल पड़े हैं, जिज्ञासु तो है ही, तो इसका उत्तर जानने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। उधर वो अपना उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं, इधर हम करते हैं, हम आपको ये खिलौना दिखा देते हैं तो शायद आपको उत्तर का पता चले। मैं इस छुटकू को उठाती हूं और देखते हैं इसने अपने पेट में क्या राज छुपा के रखा है। और हमने इसको पलट दिया, आपको कुछ नजर आया? कुछ दिखा धर्मेंद्र जी? जी नीचे आई थिंक ये मैग्नेट है दिखा? जी बच्चों को भी नजर आ रहा होगा, ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है। एक मैग्नेट तो हम छुटकू के नीचे लगाया। छुटकू की प्लेट को भी देख लेते हैं, छुटकू की प्लेट में क्या राज छुपा हुआ है। ये छुटकू की प्लेट में क्या है बच्चों? यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ भी बार मैग्नेट है, बिल्कुल ऐसा ही मैग्नेट जैसा हमने छुटकू के बॉटम में लगाया था उसकी नाव के नीचे। तो अब आप देखिए ये दो बार मैग्नेट्स ने कितना मजेदार खेल आपके सामने प्रस्तुत किया। और क्यों किया? इसका कारण हमारी छठी क्लास के बच्चे धीरे धीरे जानेंगे, जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे विज्ञान के बारे में, तो वहां आप जानेंगे कि एक चुंबक होता है, ऐसा पदार्थ जो मेटलिक या लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। कभी कील के पास चुंबक ले जाए, आपके घर में बहुत से खिलौने होंगे जिसमें आपने चुंबक देखा भी होगा, तो चुंबक से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आप जानते होंगे चुंबक। यहां हमने जो चुंबक का इस्तेमाल किया वो है बार मैग्नेट। और हमेशा बच्चों कोई भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में नीले रंग का साउथ पोल दिख रहा है आपको और लाल रंग का नॉर्थ पोल दिख रहा है। और अक्सर मैग्नेट जो है इस दो कलर में आते हैं, लेकिन हमेशा ही दो कलर में नहीं आते, कभी कभी आपका पूरा मैग्नेट लाल रंग का भी होता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। और उसमें हम नॉर्थ पोल को कैसे पहचानते हैं ये भी हम बताएंगे। अब हम इस मैग्नेट के पास दूसरा बार मैग्नेट लेके आते हैं, लेकिन साउथ पोल के साथ, दूसरे बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आया और क्या हो गई दोनों में? आकर्षण, अट्रैक्शन। They attract each other to opposite poles always attract each other. लेकिन ये क्या हुआ? जैसे ही हमने नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को लाया वो रिपेल हुआ, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित हुआ, एक दूसरे को दूर हटाया। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये वाला खिलौना बनाया, जिसमें कि जो छुटकू हाथी था उसके नीचे का जो मैग्नेट था और दूसरा जो मैग्नेट प्लेट के नीचे था, जब हमने
उनके अपोजिट पोल्स को पास लाया, यानी कि नीले और लाल पोल्स को पास लाया, तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। और जैसे ही हमने नीले को या लाल को एक दूसरे के पास लाया, यानी कि साउथ को साउथ के या नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाने की कोशिश की, वो एक दूसरे से रिपेल होने लगे, एक दूसरे से दूर भागने लगे। और यही होता है मैग्नेटिज्म, कैसे चुंबक काम करता है, क्योंकि चुंबक के पास अपना एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स के चलते ही वो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। और पोल्स का चूंकि कॉन्सेप्ट है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, सेम पोल्स को हमेशा रिपल्शन मिलती है और अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये एक छोटा सा खेल जो टंकू बंदर ने जानवरों को दिखाया, ऐसा ही खेल हमने आपको भी दिखाया। और मनचला और फुदकू तो इसका राज जान चुके हैं इस बार मैग्नेट का, और अब आप भी जान चुके हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा ही एक छोटा सा खिलौना, जरूरी नहीं कि आप छुटकू हाथी लेकर ही बनाएं ऐसा खिलौना, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी तरह से इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इस विज्ञान के इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप अपना कोई भी एक खिलौना अपने आप से सोचिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे चले धर्मेंद्र जी। पूछने वाला था कि अभी समाप्त तो नहीं, कुछ और भी है क्या? और आगे चलते हैं, फिर से चलते हैं जंगल की तरफ। और फिर हम पहुंच गए हैं इस हरे भरे घने जंगल में, जहां पर तीसरे दिन यानी कि अगले दिन फिर से टंकू आया और फिर बुलाने लगा बच्चों को, आ जाओ आ गया तुम्हारा टंकू करतब दिखाने, सभी बच्चों आ जाओ, आज बहुत खास कुछ दिखाना है। और जोर जोर से चिल्लाने लगा और सारे जानवर, हमारा मेंढक छुटकू मेंढक भी फुदक कर आ गया एकदम से, जैसे ही टंकू की आवाज उसने सुनी। टंकू कहने लगा, मेहरबान कदरदान, ये है नट्टू मेंढ की महान, यानी कि आज वो लाया था टंकू अपने साथ एक छोटी सी नट्टू मेंढ की, एकदम हमारे फुदकू की जैसी। और बोलने लगा, मेहरबान कदरदान, ये है नट्टू मेंढ की महान, मन पसंद ना मिले तो रहता है आंखों का रंग काला, गर पसंद की चीज मिल जाए तो हो जाती है आंखें लाल, यानी कि जब हम उसको कुछ खाने को देंगे और फिर से वो भी हमारे छुटकों की तरह है, बहुत मनचली बहुत चूजी, उसके पसंद की चीज होगी तो खाती है और आंखें काली रहती हैं, लेकिन अगर उसके आंखें लाल हो जाती हैं, अगर पसंद की चीज नहीं है तो आपको वो कोई जादू नहीं दिखाती, आंखें काली ही रहती हैं। तो दोस्तों, टंकू की जैसी नट्टू हमारे पास भी है, यही खिलाना हमारे पास भी है, और लगता है कि आप फिर से उत्सुक होंगे कि जो खेल टंकू ने जानवर दोस्तों को दिखाया हमारे, वो खेल हम फिर से देख लें। तो हम भी ऐसी ही एक छोटी सी मेंढ की लेके आए हैं, ये है हमारी छोटी सी नट्टू मेंढ की, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, मैंने इसको नट्टू बुलाया है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये है हमारी नट्टू मेंढ की। अब टंकू ने कहा था इसको कुछ चीजें खाने की पसंद आती हैं और कुछ नहीं आती हैं, और पसंद आती है तो आंखों का रंग कैसा हो जाता है और नहीं आती है तो कैसा हो जाता है, ये हम बता चुके हैं। और आपको पहचानना है और चैट बॉक्स में जवाब देना है कि इसको ये चीज खाने की पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आप इसकी आंखों का रंग देखेंगे और आपको झटपट पता चल जाएगा कि इसको ये पसंद है कि नहीं है। ये मेरे हाथ में चीनी का पानी है, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का पानी। इस चीनी के पानी में मैं इसकी जीभ डालती हूं और देखते हैं इसको पसंद आता है क्या चीनी का पानी। आया क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, मिजाज थोड़ा तीखा नजर आ रहा है। हाँ, काला काला आंखें रह गई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। चलिए, अब इसी चीनी के पानी में हम क्या करते हैं, एक दो बूंदे
नींबू की डाल देते हैं, क्या बन जाती है नींबू की डालने से? शिकंजी। शिकंजी, यानी कि अब हम शिकंजी बनाते हैं अपनी नट्टू के लिए। देखते हैं नट्टू शिकंजी पीना पसंद करेगी। ये चीनी का पानी है और ये हमारा एक दो बूंदे हमने नींबू की डाली और बन गई हमारी शिकंजी। नट्टू, क्या तुम्हें शिकंजी पसंद है? क्या पसंद है? है भाई, बिल्कुल है। जी पसंद है क्या नट्टू को शिकंजी? आंखें लाल हो जाती है इसकी, आंखें लाल। तो ये छोटा सा हमारा नट्टू का खिलौना था, लेकिन खिलौने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि खिलौना तो खिलौना है लेकिन साथ में उसके विज्ञान को भी चलना है। और सोचिए जरा ऐसा कैसे हुआ होगा। हमारा फुदकू और मंचला तो ढूंढने निकल पड़े हैं और उनको राज मिल भी गया है। मिल गया है उनको राज कि आखिर नट्टू के पास ऐसा क्या था कि वो अपनी आंखें टिमटिमा लेती थी जब उसकी पसंद की कोई चीज आती थी। और अब आप, अगर मैं आपको नट्टू दिखाऊं तो फिर से इसका देखते हैं बैक साइड, जैसे हमने मंचले का देखा था, इसकी बैक में आपको कुछ नजर आ रहा होगा और वैसा ही जैसा अब हम स्लाइड पर दिखाएंगे। ये एक छोटा सा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि आपको नजर आ रहा है स्लाइड पर। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट तो हम घरों में भी बहुत देखते हैं। बिजली का स्विच जलाते हैं तो कैसे जलता है? स्विच मैंने इस दीवार पर जलाया और मेरा बल्ब दूसरी दीवार पर जला, ऐसा कैसे हुआ? आपके मन में आता ही होगा। वायरिंग पूरे घर में हुई रहती है, तार बिछे रहते हैं, स्विच जला के उस तार में से पूरी इलेक्ट्रिसिटी गई और बल्ब तक पहुंची, ये कैसे हुआ? तो इस स्लाइड पर दोबारा से देखिए, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम बनाते हैं जिसमें एक सेल होता है और एक बल्ब होता है, और जिस स्विच की मैं बात कर रही हूँ वो कहीं बीच में हम लगा देते हैं ताकि हम उसको ऑन ऑफ कर सकें और अपने इस सर्किट को कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ पर एक खास बात, कुछ एडिशन हमने किया कि हमने बल्ब और जो सेल है, सेल यहाँ पर है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सेल और बल्ब के बीच में हमने अपने शुगर सॉल्यूशन के कंटेनर यानी कि बीकर को रख दिया। अब जब मैंने शुगर सॉल्यूशन बीच में रखा तो क्या बल्ब जिसको मैं कह रही हूं या अभी जो मैंने नट्टू में इस्तेमाल किया उसको एलईडी कहते हैं, तो एलईडी जो है वो जली? हमने देखा वो नहीं जली। इसका मतलब क्या, क्या गेस कर सकते हैं आप? कि यानी कि सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वो बल्ब तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो रास्ते में ही शुगर सॉल्यूशन पर आकर अटक गई। शुगर सॉल्यूशन जो होता है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास नहीं होने देता, और इसी वजह से हमें नट्टू की आंखों की चमक नहीं दिखाई दी, क्योंकि बल्ब तक वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट जिसको कहते हैं वो पहुंच ही नहीं पाया। अब वापस से स्लाइड देखिए, दूसरे केस में क्या किया हमने, शुगर सॉल्यूशन में हमने डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस, और नींबू का रस डालने से क्या हुआ, बल्ब जलने लगा। कारण क्या है कि जब नींबू का रस डालते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है, जो शिकंजी का पानी तैयार होता है, वो अपने अंदर से करंट को बहुत आसानी से फ्लो करने देता है और वो उस एलईडी यानी कि बल्ब तक करंट पहुंच जाता है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब सर्किट कंप्लीट हो गया, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, तो बल्ब ग्लो करने लगा। यही चीज हम करके देखें कुछ और चीजों के साथ। ये तो हमने विलयन या शुगर सॉल्यूशंस की बात की। मान लीजिए ये मेरे पास इस स्केल है और इसके ऊपर मैं नट्टू की जीभ लगाती हूं, क्या कुछ दिखा? क्या लाल हुई इसकी आंखें? नहीं, 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 काली रही। तो काली, कारण क्योंकि लकड़ी जो है वो अपने आप में, तभी तो कहते हैं कि लकड़ी की चीज से आप स्विच ऑन कीजिए, लकड़ी की चप्पल पहनिए या रबड़ की चप्पल पहनिए, ताकि वो करंट सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट ना हो सके। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने प्लेट लिया, ये खाने की प्लेट, अब बताइए इस पे कुछ दिखा? यस, इस पे तो आंखें लाल हो गई। तभी तभी हम कहते हैं मेटल्स आर गुड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास हो सकता है, लेकिन वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इसमें जब हमने इसकी वायर्स को या जीप को टच किया तो हमें बल्ब जलते नजर नहीं आए। तो ये एक और छोटा सा खिलौना था आपके लिए, आप भी ऐसा कोई खिलौना सोच सकते हैं और बना सकते हैं। और एक छोटी सी बात तो हम बताना भूल ही गए, मैग्नेट के बारे में हम आधे मिनट में अगर वो बात बिल्कुल बड़ा मजा है। हम मैग्नेट की बात कर रहे थे तो ये लाल रंग का मैग्नेट है बच्चों, और इस लाल रंग के मैग्नेट पर यहाँ पर एक छोटा सा सफेद रंग का डॉट आप देख रहे होंगे, और ये जो डॉट है ये डॉट नॉर्थ पोल बताता है। और अब इन्होंने आबरा का डाबरा धर्मेंद्र जी ने जरूर किया होगा, और इनकी बोतल का रंग अब जरा देख लें, गिली गिली छू, और इसका कारण आपको स्लाइड पे मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी कि क्यों ये रंग गायब होता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो कि बेसिक है उसमें फिनोफ्थलीन डालते ही पिंक कलर का सोल्यूशन आया, और जैसे ही हमने फूंक मारी तो फूंक में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका नेचर होता है एसिडिक, और इसीलिए वो पानी में घुलते ही कार्बोनिक एसिड बनाती है। और एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। और इसी वजह से हमें उसका कलर धीरे धीरे हल्का होता नजर आता है, पूरा जा नहीं रहा है लेकिन हल्का हो रहा है। जा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी है जो कि हल्का सा बेसिक होता है। तो इसलिए ये जो हमारा चमत्कारी जादुई पानी था ये असल में कुछ नहीं था, ये सिंपली एक बेसिक सोल्यूशन था, और उसमें हमने फूंक मार के थोड़ा सा उसको एसिडिक करने की कोशिश की थी। तो ये हमने दो तीन खेल बच्चों आपके साथ दिखाए, आपसे बात की, और इसका एक खास उद्देश्य यही था। ऐसे ही खेल खिलौने बनाते रहिए और अपनी जिज्ञासाओं को जगाते रहिए बिल्कुल मनचले और फुदकू की तरह, और विज्ञान को समझते रहिए, और आप पाएंगे कि फिर विज्ञान चुटकियों का खेल है। जैसे ही आपने अपने हाथों से करना शुरू किया, विज्ञान अपने आप समझ में आने लगेगा। आई थिंक बड़ी दिलचस्प यात्रा थी पिछले आधे घंटे में जो हमने सीखा। कहानी इतनी लाजवाब थी, करेक्टर कितने बढ़िया लेकर आई थी। आप नाम देखें, जिज्ञासु मंचला हाथी, फुदकू मेंढक, खिलौने वाला टमकू बंदर, बंदा सा बड़ा लाजवाब थे। उन्होंने जो आंखें अपनी टिमटिमाई थी वो तो एकदम क्यूट, बड़ा लाजवाब था वो। लेकिन यस, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, जो हमने बाद में समझी कि आखिर किस तरीके से ये चीज़ें बदल गई, उनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण था, उन सब कारणों को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रुचि वर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। लेकिन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये सेशन साइंस का था जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। अगला सेशन जो है वो है मैथमेटिक्स का, जहाँ पर हम पढ़ेंगे डेसिमल। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड।